स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस पर। भारत आज मना रहा है करगिल युद्ध की 20वीं वर्षगांठ का जश्न। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लेंगे द्रास में करगिल विजय दिवस समारोह में हिस्सा। शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है राष्ट्र। लोकसभा में तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक पारित। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ये विधेयक महिलाओं के न्याय एवं सम्मान का विषय है, ना कि राजनीति का। चांद के लिए चंद्रयान 2 का सफर जारी। चंद्रयान 2 ने पृथ्वी के दूसरे ऑर्बिट रेंजिंग मनूवर को सफलतापूर्वक किया पूरा। अगले मनूवर के लिए 29 जुलाई की तारीख निर्धारित। कर्नाटक में राजनीतिक अनिश्चितता का दौर जारी। विधानसभा के शेष कार्यकाल के लिए अध्यक्ष स्पीकर के आरमेश ने 3 बागी विधायकों को अयोग्य दिया करार। शेष बचे 14 मामलों पर निर्णय अभी लंबित। बिहार और असम में बाढ़ के हालात बरकरार। दोनों राज्यों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। पश्चिम बंगाल में भी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, यूरोपीय संघ के प्रमुख ब्रेग्जिट वार्ताकार ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की ब्रेग्जिट सौदे में बदलावों की मांग को किया खारिज। यूरोपीय आयोग अध्यक्ष ने बोरिस जॉनसन को बताया कि वर्तमान समझौता है सर्वश्रेष्ठ। फ्रांस में गर्मी ने तोड़ा कई सालों का रिकॉर्ड। पेरिस में तापमान 41 डिग्री के पार। बेल्जियम और जर्मनी में भी टूटे रिकॉर्ड। और क्रिकेट में, लॉर्ड्स टेस्ट में आयरलैंड की नजर इंग्लैंड के खिलाफ। ऐतिहासिक जीत दर्ज करने पर दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 9 विकेटों पर 181 रन की बनाई बढ़त। पहले दिन इंग्लैंड की पहली पारी महज 85 रन पर हुई ढेर।